हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंजाम तक पहुंच रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में रेवाड़ी से निर्दलीय उम्मीदवार विजय सोमानी ने एक विशाल रोड शो का आयोजन किया और इस दौरान विजय सोमानी ने कहा कि वो बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच वोट की अपील कर रहे हैं। अगर उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला तो वो युवाओं को रोजगार में भागीदारी उनकी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, लेकिन अब समय है, जनता जल्द ही इसका नतीजा सभी के सामने लाकर रख देगी। तो विधानसभा चुनाव 2019 का रण पूरी तरीके से तैयार है और सभी सियासी योद्धा मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन इस रण के अंदर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो पूरे दमखम के साथ इस वक्त मैदान में नजर आ रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार भी तेज कर दिया है और इसी कड़ी में रेवाड़ी से निर्दलीय उम्मीदवार विजय सोमानी ने एक विशाल रोड शो का आयोजन किया। विजय सोमानी के एमएलए बनने के बाद हरियाणा और भारत सरकार से जो पैसा आता है उसको कोई खुर्द बुर्द करने की हिमाकत नहीं करेगा। हमारा अब तक जो जातिवाद के दम पर, गुटबाजी के नाम पर और एक दूसरे की टांग खींचने की जो राजनीति है उसका अब की बार हम अंत करेंगे। जो बेरोजगार है, उस बेरोजगार के लिए हम हर की बार ऐसी योजना लेकर आएंगे उद्योग में कि रेवाड़ी जिले में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। आज तक जो पैसा और जो जमीन है यहाँ के कांग्रेस और बीजेपी के नेता कुछ हजम करते रहे, कुछ बचाते रहे। राव इंद्रजीत सिंह जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट लिया है जिसको रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 100 लोग नहीं जानते। ये मजाक है प्रजातंत्र का। फिर खट्टर साहब आए तो खट्टर साहब की पार नहीं पड़ी और तो खट्टर साहब को सीआईडी ने कहा कि भाई फेल है प्रोग्राम। तो अब श्रीमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का प्रोग्राम फिक्स किया है। ये रेवाड़ी की जनता और ये इतिहास रेवाड़ी का जो कृष्ण जी से शुरू होता है, विवेकानंद से शुरू होता है, ये इतिहास बता देगा नरेंद्र मोदी को कि 2014 में इसी रेवाड़ी की धरती ने इस नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कुर्सी तक भेजा था। और यही रेवाड़ी की जनता बताएगी कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जलवा नहीं चलेगा।